हेलो एवरीवन आज हम सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन है टर्म सेकंड जो कि जो कि स्टार्ट होने वाला है टर्म सेकंड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है तो हम आज एक और सैंपल पेपर लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है आई होप इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ क्वेश्चन पेपर को जैसा कि आपको पता है स्टर्म सेकंड में चैप्टर कितने आने आने वाले हैं फाइव उसमें से चैप्टर थर्ड जिसका नाम है योगा इन लाइफ स्टाइल चैप्टर फोर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर सी डब्ल्यू एस एन यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं चैप्टर सेवन चैप्टर सेवन के बाद चैप्टर नाइन चैप्टर नाइन के बाद चैप्टर टेन तो हम स्टार्ट करते हैं इसी से आएगा आप चैप्टर जो सेकेंड टर्म के चैप्टर हैं चैप्टर थ्री चैप्टर फोर चैप्टर सेवन चैप्टर नाइन एंड टेन इन्हीं से आएगा ये टर्म सेकंड का क्वेश्चन पेपर तो जो क्वेश्चन पेपर है वो उसकी टाइमिंग है आप देख सकते हैं दो घंटे की टाइमिंग है आपको दो घंटे मिलेंगे जो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे थर्टी फाइव और इस क्वेश्चन पेपर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया सेक्शन सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी देख सकते हैं आप ये तीन पार्ट्स में डिवाइड किया सेक्शन ए में कुल नाइन क्वेश्चन होंगे और को आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं सेवन जिनके जो मार्क्स होगा वो दो मार्क्स मिलेंगे यानी जो पहला सेक्शन है ए इसमें नाइन क्वेश्चन है आपको सात अटैम्प्ट हैं और जो सात अटैम्प्ट इनकी वैल्यू होगी इन क्वेश्चन की वैल्यू होगी टू मार्क्स और ये वर्ल्ड लिमिट होगी थर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स दूसरा देखते हैं सेक्शन बी की तरफ जाएंगे जो सेक्शन बी है आप देख सकते हैं सेक्शन बी इसमें कुल क्वेश्चन आपको फाइव मिलेंगे आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं थ्री जिनकी वर्ल्ड लिमिट जो है एट्टी टू हंड्रेड वर्ड्स है और इनका वैल्यू है थ्री मार्क्स नेक्स्ट और लास्ट वाला देखिए सेक्शन सी सेक्शन सी में कुल cool फोर क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको अटेंड करना है थ्री और इनकी वर्ड लिमिट होगी हंड्रेड टू वन फिफ्टी वर्ड्स और ये चार नंबर के होंगे देख सकते हैं आप तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को ठीक है सेक्शन ए में जैसा कि मैंने आपको बताया था सेक्शन ए में नाइन क्वेश्चन होंगे आपको अटेंड कितने करने हैं आप देख सकते हैं क्वेश्चन साफ साफ लिखा है नाइन में आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं सेवन आप देख सकते हैं ओके okay, तो हम स्टार्ट करते हैं देखिए जो क्वेश्चन फर्स्ट है क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है व्हाट इज द मेन फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ अस्थमा अस्थमा का मेन फिजियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है ठीक है आप ये समझिएगा जो अस्थमा है ये लाइफ स्टाइल डिसीजेस में आता है योगा एंड लाइफ स्टाइल चैप्टर थर्ड का ये क्वेश्चन है तो अस्थमा में क्या होता है एक मेडिकल कंडीशन है अस्थमा इज ए मेडिकल कंडीशन दैट्स मेक ब्रीथिंग डिफिकल्टी यानी कि सांस लेने में और सांस छोड़ने में जो डिफिकल्टी होती है उसको बोलते हैं अस्थमा ये रिस्पेक्टिव सिस्टम यानी तंत्र की एक बीमारी है तंत्र सी बीमारी है जिसमें इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कॉजेस क्या कारण रहते हैं तो इसका एक कारण हो सकता है एयर पोल्यूशन यानी वातावरण दूषित होना उसमें डस्ट होना डस्ट भी हो सकता है एयर पोल्यूशन भी हो सकता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकता है और लास्ट इसमें जेनेटिक फैक्टर यानी जन्म से ही यानी डीएनए के थ्रू हमें जो मिला है डीएनए उसके थ्रू भी हमें ये बीमारी हो सकती है ये कारण हो सकते हैं तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि मेन कॉजेज ऑफ कॉजेज ऑफ अस्थमा तो आप यही लिखेंगे द मेन काजेज ऑफ अस्थमा एयर पोल्यूशन डस्ट हो सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है या फिर रिस्पेक्टरी सिस्टम का फेल हो जाना वीक हो जाना और आप लास्ट में लिख सकते हैं जेनेटिक फैक्टर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखा जाए बेनिफिट्स ऑफ अर्थ चक्रासन क्या लिखा है बेनिफिट्स ऑफ अर्थ चक्रासन अर्थ चक्रासन का बेनिफिट पूछा है तो अर्थ चक्रासन हाइपर को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और एक और मैं बता दूं इसका बेनिफिट ये बैक पेन के लिए बेनिफिशियल है और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाला है चक्रासन आपने देखा होगा चक्र की तरह यानी कि देखे चक्र की मतलब बॉडी को थोड़ा सा टर्न करके अपने बॉडी को टर्न करके अब जो बीज का पोर्शन है पैरों पे अपना बैलेंस रखना है और हाथों पर यह है चक्रासन नेक्स्ट वाला देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है देखिए व्हाट इज द वट इज द मीनिंग बाई इंटोलैक्चुअल एबिलिटी ठीक है इंटोलैक्चुअल एबिलिटी ये एबिलिटी और डिस आप आपको सभी को पता है तीन तरीके की डिसेबिलिटीज होती है फिजिकल डिसेबिलिटी कॉगनेटिव और इंटोलैक्चुअल इंटोलैक्चुअल का मतलब बौद्धिक तौर बौद्धिक तौर बौद्धिक क्षमता में कमी इंटोलैक्चुअल का मतलब है इंटोलैक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है बौद्धिक अक्षमता यानी डायरेक्शन का पता ना लगा ना पाना यानी कि अब देखिए टाइम कॉन्सेप्ट उसका अच्छा ना होना उस किसी से बात करने में डिस्कश डिस्कशन करने में दिक्कत होना ये आपका आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ तो मीनिंग आप समझ गए होंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ बौद्धिक अक्षमता से जुड़ा हुआ है यानी बुद्धि का असम होना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आ, या फिर हम बोले किसी जजमेंट में वो फेल रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ जाएंगे इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या लिखा ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मेंटेन एनी टू जेंडर डिफरेंसेस अब जेंडर डिफरेंसेस यानी मेल और फीमेल में फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स के से यानी उनके शरीर की बनावट के हिसाब से कौन दो बड़े डिफरेंसेस हैं फेल मेल और फीमेल में पुरुष और आदमी में पुरुष और सॉरी पुरुष और महिला में पुरुष और महिला में प्रमुख दो डिफरेंसेस पूछे हैं इसमें अब देखिए पुरुष और महिला में दो मेन डिफरेंसेस एक तो फ्लेक्सिबिलिटी का है उनका जो फीमेल है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमम uh, होती है अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या चाहिए मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कहा गया है मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट और मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट मतलब यहाँ पर समझिएगा जो ज्वाइंट्स हैं उनका मैक्सिमम रेंज तक जाना तो अब देखेंगे कि जब इस पर पैरामीटर्स पूछे गए हैं कि मेल और फीमेल में फिजियोलॉजिकल uh, पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंसेस हैं तो एक तो फ्लेक्सिबिलिटी का डिफरेंसेस है मेल में उतना फ्क्सिबल uh, मेल इतना फ्लेक्सिबल नहीं होते यानी पुरुष इतना फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं जितना महिलाएं है। क्योंकि बॉडी के स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जो उनका जॉइंट स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कुदरती होता है नेचर में होता है दूसरा मैं इसमें बता दूँ आपको सेकेंड है कि मसल्स यानी साइज ऑफ मसल्स जो साइज ऑफ़ मसल्स होता है वो बॉयज में यानी मेल में बिगर होता है अगर हम तुलना करें फीमेल्स में और इस कारण से स्ट्रेंथ जो होती है वो मेल में ज़्यादा होती है फीमेल में कम होती है तो पैरामीटर्स आपको बताना है तो स्ट्रेंथ में डिफरेंसेस हैं मेल में मेल uh, में जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है फीमेल में कम होती है क्यों होती है मेल में ज़्यादा क्योंकि जो साइज ऑफ मसल्स हैं वो बिगर होते हैं और फीमेल में साइज ऑफ मसल्स शॉर्टर होते हैं छोटे होते हैं अगर कोई फीमेल ऐसा करती है अपने ट्रेनिंग के दौरान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान वो बिगर कर लेती है तो उसके अंदर भी ये देखा गया है लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि स्ट्रेंथ बॉयज में ज़्यादा होता है लेकिन अगर हम बात करें आप फ्लेक्सिबिलिटी uh, की तो फीमेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉडिय आउटपुट कॉडियो आउटपुट का मीनिंग पूछा है कॉडिय आउटपुट कहते कि, किसको हैं तो मैं एक बार आपको बता दूं इट इज द एबिलिटी ऑफ हार्ट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप आउट ब्लड इन वन मिनट इसका मतलब ये हार्ट की एक क्षमता है कि एक मिनट में कितना वो पंप निकालता है कितनी बार वो ब्लड को बाहर करता है यानी हार्ट की ऐसी क्षमता जिसमें वो ब्लड को एक मिनट में कितनी हार्ट को कितनी जल्दी निकालता है तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू टू पंप आउट ब्लड इन वन मिनट बात समझ गए होंगे क्वारिग आउटपुट किसको कहते हैं नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है एग्रेशन के बारे में पूछ रहा है वट इज़ इज एग्रेशन एग्रेशन देखिए एग्रेशन इज अ बिहेवियर एग्रेशन को हम बिहेवियर के नाम से जानते हैं क्वेश्चन नंबर है एग्रेशन एग्रेशन इज ए बिहेवियर विद गोल हार्मिंग और इंजरीज अनोदर यानी समझिएगा गोल को अचीव करने के लिए किसी को भी इंजरी पहुंचाने का काम कर सकते हैं इस बिहेवियर में और इसको हिंदी में बोलते हैं आक्रामकता आक्रामकता का मतलब यहाँ पे समझिएगा एग्रेशन और एग्रेशन मतलब बिहेवियर है जिसमें हम गोल अचीव यानी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तो किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं इसका मतलब जब तो समझ गए होंगे स्पोर्ट्स में एग्रेशन के साथ वो वर्बल भी हो सकता है यानी कि हम किसी को बोलें और रूल्स के तहत बोलें यानी कि उसको चिढ़ाएँ और दूसरा दूसरा हार्म पहुंचाते हैं चोट सकता है जैसे फुटबॉल में टैकल फुटबॉल को टैकल करते करते खिलाड़ी को ही गिरा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन है क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में क्या कहा गया है देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में कहा गया है वट डू यू मीन बाई पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी क्या है पर्सनैलिटी को अगर आप देखेंगे तो पर्सनैलिटी इज़ द टिपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड बिहेवियर दैट्स मेक ए पर्सन यूनिक अगर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को हम देख बोलें तो उसकी थिंकिंग उसने सोचने समझने का तरीका उसकी फीलिंग या फिर हम बोल सकते हैं उसका बिहेवियर जिस 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 पर्सन में ये चीज़ें डिफ़रेंट होती हैं उसको यूनिक बनाता है हर पर्सन की अलग सोचने की क्षमता फ़ील करने की क्षमता उसका बिहेवियर अलग होता है और जिससे वो यूनिक बनता है अलग बनता है और सिग्निफाइड भी यही कहते हैं सिग्निफाइड की डिफिनेशन है पर्सनालिटी इज एन इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स यानी कि आप समझ गए होंगे कि उसकी विशिष्ट पहचान है पर्सनालिटी पर्सनालिटी एक पर्सनल वर्ड से आए हैं पर्सना मतलब यहाँ पे समझिएगा ये ये जो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब मास्क लगाना होता है मास्क तो आगे की तरफ ऊँढ़ेंगे अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में कहा गया है वट डज द टर्म फाटलिक क्या कहा गया फाटलेक मीन एंड हु डेवलप दिस ट्रेनिंग मेथड अब फाटलेक ट्रेनिंग मेथड को किसने डेवलप किया है तो मैं आपको बता दूं फाटलेक ट्रेनिंग मेथड को किसने डिस्कवर uh, किया है तो पहले आप समझिएगा फाटलिक कहते किसको है फाटलिक एक स्वीडिश वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पीड प्ले क्या होता है इसका मतलब स्पीड इस प्ले स्पीड ले और इसको डिस्कवर किसने किया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है इसको डिस्कवर किया है घोस्टा जी ओ एस टी ए घोस्टा होलमर एच ओ एल एम ई आर होलमर में 1937 में 1937 आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ 1937 में घोस्टा होलमर ने स्पीड प्लेस का मतलब होता है स्वीडिश वर्ड है और ये दोनों कॉम्बिनेशन है देखिए ये जो है ये इंडोरेंस को बढ़ाने की ट्रेनिंग मेथड है अगर हम फाटलेक मतलब समझें स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है फाटलेक एफ ए आर टी एल ई के तो आई है शायद यहाँ पर तो देख सकते हैं फाटलेक ट्रेनिंग मेथड जो कि इंडोरेंस को बढ़ाता है और होस्टा होलमन में दिया है और इस ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है जो प्लेयर होते हैं वो रनिंग करते हैं फिर इंटरवल कर लेते हैं तो इंटरवल ट्रेनिंग भी इंकुल। है और कॉन्टिन्यूस रनिंग भी करते हैं तो ट्रेनिंग और इंटरवल नंबर की, की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के टाइप पूछे हैं स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस यानी कि मसल्स का प्रतिरोध करना मसल्स अगर हम कोई चीज़ उठाते हैं कोई वस्तु उठाते हैं कोई ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो मसल्स प्रतिरोध करते हैं ये प्रतिरोध क्षमता क्या कर लेते हैं स्ट्रेंथ ये प्रतिरोध क्षमता मसल्स की प्रतिरोध करने की जो क्षमता है उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को किन दो पार्टों में डिवाइड किया गया है इसको दो पार्टों में डिवाइड क्योंकि टाइप पूछा गया स्टैटिक और डायनेमिक स्टैटिक जो कि उसके तीन पार्ट हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक्सप्लोजिव और स्ट्रेंथ इंडोरेंस आगे के क्वेश्चन में पढ़ेंगे आगे आगे का जो क्वेश्चन है वो सेक्शन uh, बी में चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर टेन देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर टेन में लिखा है लिखा क्वेश्चन नंबर टेन देखिए क्या लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के तरीके पूछे गए हैं अच्छा आप सभी जानते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कहते किसको है पहले आप ये समझिए फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मैक्सिमम रेंज ऑफ ज्वाइंट मैक्सिमम रेंज ऑफ ज्वाइंट अब मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट आप समझ गए होंगे अब इसमें पूछा गया है इसको डेवलप करने के कौन कौन से मैथड्स हैं देखिए यहाँ पर आप समझिएगा एक तो बेलिस्टिक मैथड है बेलिस्टिक मैथड में हम क्या करते हैं मूवमेंट जो है लयबद्ध होते हैं स्विंग करते हुए जैसे कि हम मार्च पास्ट करें है ना द बेलिस्टिक मैथड द मूवमेंट इज परफॉर्म विथ स्विंग इन रिदमिक वे जैसे मार्च पास्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट उसमें रिदमिक तो इसमें स्ट्रेचिंग हो तो ये मैथड है इंप्रूविंग मैथड्स हैं मैथड्स हैं फ्लेक्सीबिलिटी एक तो बेलेस्टिंग मेथड होगा एक है स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, जिसमें एक से एक जगह पर रख रुक, रुक के थोड़ा सा स्टेबिलिटी करते हुए और बॉडी को स्ट्रेच करते हैं आप समझ गए होंगे डायनेमिक में मूवमेंट के साथ ठीक है तो ये सारे मैथड और एक है पी एन एफ प्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फलिस्टेशन फलिटेशन इसका मतलब यहाँ पे हुआ पी एन एफ का जब हम मूवमेंट में किसी दूसरे पार्टनर की सहायता लेते हैं वो स्ट्रेचिंग करें तो यहाँ पे आप समझिए आपसे पूछे कि मेथड कौन कौन से हैं तो आप एक बताइए स्टैटिक दूसरा बताइए आप स्टैटिक मेथड जैसे स्टैटिक का मतलब ही हुआ स्थिर अवस्था में मूवमेंट स्ट्रेच करना दस सेकेंड पाँच सेकेंड जैसे वृक्ष आसन या फिर किसी हाथ को हम मैक्स खींचें बहुत अपनी रेंज से ऊपर और थोड़ी देर के लिए रोक दें वो हैं तो आप समझ गए होंगे डायनेमिक यानी मूवमेंट के साथ स्टैटिक डायनेमिक और बैलिस्टिक ब्लैस्टिक मैंने बताया जहाँ पे रिदमिक होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट हाथों का स्विंग होना पैरों का मूवमेंट करना स्विंग उसका भी मूवमेंट लयबद्ध तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखें क्वेश्चन नंबर इलेवन देखा व्हाट इज प्राइज प्राइज़ क्या है पी आर आई सी प्राइज़ जो है ये एक फार्मूला है जब किसी को चोट लगती है इंजरीज होती है सॉफ्ट इशूज़ इंजरीज होती है देखिए इंजरीज के तीन पार्ट हैं सॉफ्ट इशूज़ हार्ड इंजरी एंड ज्वाइंट इंजरीज तो ये सॉफ्ट इशूज इंजरी होने पर हम क्या कर रहे हैं प्राइस का फार्मूला देते हैं जैसे प्राइस का मतलब पी से प्रोटेक्शन अगर पी से प्रोटेक्शन देना है उस व्यक्ति को आर से रेस्ट देना है आई से होगा आइस थेरेपी देना है I C e, आई सी ई आइस थेरेपी यानी कि कोल्ड मतलब ठंडी बर्फ आइस क्यूब में लेके उसको उस जगह पे चोट लगा है जैसे मान ली किसी को मोच आ जाए तो ये प्राइस का फॉर्मूला लगा दें पी से प्रोटेक्शन आर से रेस्ट आई से आइस सी से कंप्रेशन यानी थोड़ा सा कंप्रेशन यानी उसको दबाव भी देना है चौबीस से अड़तालीस घंटे के बाद एलवेशन एलिवेशन का मतलब यहाँ ई से हुआ एलिवेशन एलिवेशन का मतलब है कुछ जहाँ चोट आई है उस उस जगह को थोड़ा सा ऊंचा रखना उठा के रखना तो ये प्राइस का फॉर्मूला है इसको डिस्क्राइब करने के बारे में कहा गया है और ये आप सभी को पता है सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में इसका फॉर्मूला यूज़ होता है तो अभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये किस में यूज़ होता है तो बातें आपको क्लियर हो रही होंगी देखिए नेक्स्ट में देखे क्या है नेक्स्ट में लिखा है डिफाइन मोटिवेशन मोटिवेशन क्या है देखिए मोटिवेशन के बारे में कहा गया है देखिए सेघ सीज सेज के बारे में कहना है द ड्राइव टू स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन यानी कि लगातार संघर्ष करना ये मोटिवेशन है हम लगातार संघर्ष करें ये मोटिवेशन है मोटिवेशन दो तरीके से होते हैं मोटिवेशन कितने तरीके से होते हैं मोटिवेशन के दो तरीके हैं इंस्ट्रिंग इंस्प्रिंसिंग और एक्सप्रिंसिंग इंटरनल इसको बोल सकते हैं और एक होता है एक्सटर्नल इंटरनल मतलब खुद से अपने आप से मोटिवेट हो गया क्लास में मार्क्स कम आए खुद मोटिवेट हुए पढ़ना शुरू किया नंबर ज़्यादा आ गए दूसरा देखिए दूसरा है सेकेंड है <coughs> एक्सटेंसिंग दूसरों को देख के हम किसी महापुरुष को देख लें सुभाष चंद्र बोस को देखें चंद्रशेखर को देखें और किसी महापुरुष को देख के मोटिवेट हो जाना उसके पद चिन्हों पर चलने लगना तो ये है मोटिवेशन दूसरे टाइप का तो इसके टाइप दो हैं इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल को बोलते हैं इंट्रेंसिंग और एक्सटर्नल को बोलते हैं एक्सट्रंसिंग तो आप समझ गए होंगे मोटिवेशन क्या है मोटिवेशन मतलब मोटिवेट होना लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए और वो अपने से भी हो सकते हैं इसको हम बोलते हैं इंटरनल uh, मोटिवेशन और हम दूसरों से भी होते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन नेक्स्ट वाला देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ टाइप पूछे हैं किसके डिसबिलिटीज़ के तो देखिए डिसबिलटीज़ क्या होता है डिसबिलिटीज़ का मतलब यहाँ पर आप समझिएगा डिसबिलिटीज़ और डिसऑर्डर दो चीज़ें होती हैं डिसेबिलिटीज का मतलब यहाँ पे होती जो कुछ अक्षमता अक्षमता से हम जोड़ सकते हैं डिसेबिलिटीज में पूछा गया है इसके टाइप्स तो जो आपके सिलेबस में है वो थ्री टाइप्स से हैं देर आप थ्री टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज कागनेटिव इंटेलेक्चुअल और फिजिकल तो आपको टाइप मैंने बता दिया कागनेटिव में कहते हैं देखिए कागनेटिव डिसेबिलिटीज़ में तीन हैं मेमोरी डिसऑर्डर इसमें होता है यानी कि याद करने में दिक्कत होती है हाइपर यानी कि आप समझिएगा हाइपर हाइपर एक्टिविटी सॉरी हाइपर एक्टिविटी यानी अटेंशन नहीं रख पाते लॉन्ग पीरियड तक और डेलेक्सिया लिखने पढ़ने में दिक्कत है लिखने और पढ़ने में दिक्कत ये कागनेटिव में देखा गया है अब देखें बात करें हम इन इंटेलेक्चुअल इसके टाइप्स में सेकंड टाइप इंटेलेक्चुअल मैंने अभी बताया था आपको इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था इंटेलेक्चुअल जिसमें मनी लर्निंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग या जजमेंट करने में इनको दिक्कत रहती है तीसरा मैंने फिजिकल बताया था फिजिकल डिसेबिलिटीज ए लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल फंक्शनिंग स्टेमिना मूवमेंट इन सब में उसको दिक्कत होती है इसके बारे में प्रीवियसली मैंने इसके बारे में बताया था अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट है ओबेसिटी व्हाट इज़ द ओबेसिटी ओबेसिटी का मतलब मोटापा अगर हम बीएमआई की माने तो बीएमआई कहता है अगर किसी का बीएमआई एम थर्टी है यानी तीस है और तीस से ज़्यादा है वो पर्सन बी के यानी ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है तीस बी आता है देखिए आप बी जब हम बी पढ़ा आपको बताएं तो बी का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स बी का मतलब हुआ बॉडी मास इंडेक्स तो यानी अब इसका फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट वेट अपॉन हाइट स्क्वायर तो किसी का मान लीजिए वेट है फोर्टी के हाइट है मान लीजिए टू तो इसमें जब हम इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि इसको जब इसका स्क्वायर है ना हाइट का स्क्वायर तो अब मान लीजिए किसी का ये आया टेन टेन बी है तो ये कैटेगरीज जब आप देखेंगे तो जब एटीन पॉइंट फाइव से किसी का कम जाता है तो उसको अंडर वेड की कैटेगरी में रखा जाता है और इसी तरह एक कैटेगरी है वेट के और हाइट के अकॉर्डिंग एक कैटेगरी है थर्टी अगर किसी का थर्टी आता है बी तो इसका मतलब वो ओबेसिटी की कैटेगरीज में है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हाँ इसी में पूछा गया दूसरा क्वेश्चन कि तीन आसन बताने हैं देखिए इसको ओबेसिटी uh, को रिड्यूस करने के लिए आसन है एक तो वज्रासन है जिसको हम रॉक सिटिंग पॉस्चर बोलते हैं जिसमें हम पैरों को फ्लेक्स करके बैठते हैं दूसरा देखिए आप इसमें हम कर सकते हैं आसन त्रिकोणासन त्रिकोणासन कर सकते हैं त्रिकोणासन भी जिसमें हम टच कर सकते हैं अपोजिट लेग को यानी कि अगर आपका आपका राइट हैंड है तो लेफ्ट आ, लेफ्ट लेग को टच करना है और इसके बाद फिर राइट लेफ्ट हैंड से राइट लेग को इस तरीके से टच करते हैं अपोजिट समझ गए होंगे राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग को टच करना है और लेफ्ट हैंड है तो राइट लेग को टच करना है क्रॉस टच करना है एक तो ये आसन हो गया एक हो गया आपका मत्स्यासन मत्स्यासन भी आप इसके लिए कर सकते हैं अर्ध मत्स्यासन भी इसमें इंक्लूडेड है ऊर्ध हस्तासन भी है आपके सिलेबस में और पाद आसन आप आ, फैट को रिड्यूस करने के लिए आ, यूज कर सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी की तरफ चढ़ेंगे सेक्शन सी में चार क्वेश्चन है इसमें से आपको कितने करने हैं थ्री तो आप देखिए यहां पे समझिएगा ताड़ासन और पवन मुक्त आसन ताड़ासन और पवन मुक्त आसन के प्रोसीजर पूछा है और क्या पूछा है दूसरा बेनिफिट्स प्रोसीजर और बेनिफिट अब हम सबसे लास्ट में चले जाते हैं देखिए यहाँ पे जब हम लास्ट में जाएंगे तो आप मैंने दो फोटो बनाए रखी हैं दो फोटो मैंने इंक्लूड किया है आपको समझाने के लिए ये तो ताड़ासन है इसका प्रोसीजर पूछा है इसमें हम करते क्या हैं अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं और टोज पे आपका बैलेंस होगा टोज पे तो पंजों पे जो है इसका हम पूरा बैलेंस रखेंगे तो उसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे फील को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे इसके बेनिफिट आप देख सकते हैं हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही अच्छा है हाइट को इंक्रीज करने वाला है फिर एंकल पेन और जो भी है लेग में होने वाले पेन को रिलीव करता है तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं तो कंट्रोडक्शन है। देखिए आसन भी आप देख ले सकते हैं दूसरा है पवन मुक्त आसन पवन मुक्त आसन आप देख सकते हैं इसमें स्पाइनल पोजिशन पर आपको लेटना है और इस आफ्टर दैट आपको क्या करना है और एक पैर को उठाना है फिर दूसरे पैर को फिर दोनों पैरों के साथ हाथों को संयुक्त करके इसको रोकना है ये पवन मुक्त आसन है इसके बेनिफिट आप देख सकते हैं जैसे कि ये डिसीज को डिसीज प्रिवेंट करता है क्योर करता है स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स उनको दूर करने का काम करता है इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव करता है ओबेसिटी और नेक जैसे नेक पेन जैसी समस्याओं को दूर करता है हाइपरटेंशन को भी रिलीव करता है तो ये दो आसन जो कि आपके आपके सिलेबस में पूछे गए थे अभी जो क्वेश्चन अभी क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये इसमें पूछा गया था तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है विद पिक्चर आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सॉल्व हो गया है अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ जाएंगे अब इसमें पूछा गया है डिसऑर्डर डिसऑर्डर कितने तरीके के होते हैं पांच डिसऑर्डर के पूछा गए हैं और इनके सिम्टम्स पूछा गया देखिए इसमें पांच तरीके के होते हैं देखिए एक होता है ए डी एच डी क्या है ए डी एच डी दूसरा ए डी एच डी को बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी अटेंशन की कमी हो जाना किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में ठीक है नेक्स्ट देखिए क्या है एस पी डी नेक्स्ट वाला है एस पी डी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एस पी डी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर यानी जो हमारे सेंस हैं जैसे हम किसी की चीज़ को टच करते हैं किसी चीज़ को देखते हैं और किसी चीज़ को सूंघते हैं सुनते हैं ये इनमें प्रोसेस होना ये मैसेज नहीं जा पाता है और ये डिफ़िकल्टी होती है इस डिफ़िकल्टी को हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर बोलते हैं ए एस डी इसके बाद है ई एस डी ऑटिजम एक्सपेक्ट्रम डिसऑर्डर ऐसे बच्चे जो है स्वालीन होते हैं अपने में एकाग्र रहते हैं लोगों से बात नहीं करते हैं ओ डी डी एक और है डिसऑर्डर ओ डी डी ऑट इसका है ऑपोजिशनल डिफियन डिसऑर्डर या जो ऐसे लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे बच्चे और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं गुस्से के होते हैं लोगों से लोगों से बड़ों से भी अच्छे से बात नहीं करते हैं ऑपोजिशनल डिफियन डिसऑर्डर और लास्ट वाला है ओ सी डी ओसीडी का मतलब यहाँ पे आप समझिएगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इनके पास रिपीटेड थॉट आ रहे रहते हैं रिपीटेड थॉट आना और ये बार बार वही चीज़ को दोहराते हैं किसी काम को कर लिया फिर भी सोचते कि नहीं हुआ है ये रिपीटेड थॉट्स आना ओ है तो मैंने आपको कौन कौन से बताया ए डी एस डी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी दूसरा बताया एस पी डी तीसरा बताया ओ डी डी और चौथा बताया ए एस डी और लास्ट बनाया ओ सी डी ए डी एस डी में ध्यान का भंगता ध्यान नहीं होना एस पी डी सेंस जो जितने भी सेंस पांच सेंस हैं जैसे हम सूंघते हैं देखते हैं सुनते हैं स्मेल करते हैं सुनते हैं ये सारे जो इस, सेंस हैं इनका आ, अच्छे से काम ना कर पाना फिर ओ, ओ डी डी ये गुस्सैल तरीके का गुस्से में रहने वाले हैं और लोगों से बड़ों से बात अच्छे से नहीं करते इनका स्वभाव गुस्सैल है गुस्से में रहने वाला ए एस डी ये अपने में ही देखा जाए तो स्वालीन रहते हैं और ये जो, जो दूसरों से बात नहीं करते हैं आंखों आंख तक नहीं मिलाते हैं ए एस डी वाले और लास्ट इसमें मैंने बताया था ओ सी डी इनके अंदर रिपीटेड थॉट आया करते हैं एक और हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से फ्रैक्चर्स होते हैं ठीक है कौन कितने तरीके के फ्रैक्चर्स हैं देखिए मैं आपको बताऊँ जो आपके सिलेबस में सबसे सिंपल है फ्रैक्चर हैं एक तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है ग्रीन स्टिक इसके नाम से ही समझ जाइए कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है ये जनरली बच्चों में देखा गया है और कंप्लीट ब्रोक नहीं होती है जो बोन है हल्की सी लाइन बन जाती बिल्कुल पतला सा इसको भी फ्रैक्चर रखा गया है एक और मैं आपको बताऊँ सिंपल से बताऊँ स्ट्रेस फ्रैक्चर स्ट्रेस फ्रैक्चर एस टी आर ई डबल एस स्ट्रेस फ्रैक्चर ये भी लाइन फ्रैक्चर है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा जाता है तो ये फ्रैक्चर uh, देखा गया प्लेयर्स में जब लॉन्ग जंप या हाई जंप करें बार बार वो मोस्टली बार बार वो जम्प करते हैं रिपीटेड जम्प करते हैं स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है रिपीटेड स्ट्रेस पड़ता है इस कारण से उनको ये दिक्कत है अगला नेक्स्ट देखिए इंपैक्ट फ्रैक्चर इन्पैक्ट फ्रैक्चर में कहा गया है कि एक बोन दूसरी बोन की तरफ इंटर कर जाती है एक बोन का जो सिरा है दूसरी बोन में इंटर कर जाती है तो ये कुछ फ्रैक्चर्स में जैसे इसमें बताया गया थ्री फ्रैक्चर्स तो इस तरीके से कुछ फ्रैक्चर्स हैं और अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम हाँ। लिखा है लास्ट में राइट एनी डिटेल अबाउट स्ट्रेंथ इम्प्रूविंग मैथड स्ट्रेंथ को इंप्रूविंग करने के मैथड्स में तो कहे गए हैं आइसोमैट्रिक देख सकते हैं आइसोटॉनिक आइसोकैनेटिक अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये स्ट्रेंथ से रिलेटेड है ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स चैप्टर है और पहला जो कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस का वह स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए तीन मैथर बताए गए हैं आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक आइसोकैनेटिक आइसो आई एस ओ का मतलब होता है सेम तो यानी तीनों में ये जो है आइसो का मतलब हुआ सेम आई एस ओ का मतलब यहाँ जो आगे आई एस ओ लिखा है आई एस ओ लिखा है आई एस ओ लिखा है इसका मतलब सेम और मैट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे लेंथ इस मैट टॉनिक का मतलब है यहाँ पे लेंथ हो गया टॉनिक का मतलब होगा टेंशन टेंशन देना सेम टेंशन देना और आइसो कैंट्रिक का मतलब होगा सेम मोशन तो ये लगातार जैसे आप देखिए आइसोमेट्रिक यानी ऐसी एक्टिविटी करना जिसमें जो मसल्स हैं उनका जो मसल्स हैं उनका साइज में परिवर्तन ना हो जैसे कि हम पुश करें वॉल को और पुश करते रहें लगातार धक्का दें वॉल को वॉल अपनी कंक्रीट वॉल है अपनी जगह से हिलेगी नहीं और हम पुश भी करते जा रहे हैं इसको आइसोमेट्रिक इसमें लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आइसोटोनिक जैसे मूवमेंट में है पुश अप पुल अप जंप हाई जंप ठीक है इस तरीके से इसके बाद आइसो जिसमें हम यूज़ करते हैं मशीन का इसमें मैक्सम एक्सरसाइज मशीन से होती है इसमें आइसोमेट्रिक भी हो सकती हैं आइसोटोनिक दोनों एक्सरसाइजेस का इंक्लूडेड लेकिन मेनली इसमें क्या ज़रूरत होगी आपको मशीन्स जैसे कि आप देखते हैं रनिंग मशीन्स होती हैं उसमें हम उसको ट्रेंड मिल बोलते हैं ट्रेंड मिल पर जब हम रनिंग करते हैं तो लगातार रनिंग करते हैं ऐसी मशीन की रिक्वायरमेंट होती हैं तो जैसे बटरफ्लाई के लिए हम रिक्वायर करते हैं मशीन्स का तो मशीन इसके लिए रिक्वायरमेंट है ये स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने वाली एक्सरसाइजेज है इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन पेपर एक नया क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया है तो आप मुझे कोशिश मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आएगा क्योंकि लास्ट टाइम है तो जितना आप रिवाइज करेंगे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही बेस्ट है और जो भी टॉपिक आपको क्लियर ना हो वो कोशिश करूँगा कम समय में वीडियोज़ का बनाऊँ थैंक यू